दोस्तों 1.5 किलोमीटर दूरी पर है हम मंदिर से। स्वागत है गाइस वापस से हमारे एक नए ब्लॉग में, और आज हमारा कटरा जम्मू में दूसरा दिन है, और अभी हम जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने। और पूरी रात मैं नहीं सोया, और एक और भाई है वो भी नहीं सोया था, बाकी लोग सो गए थे। मैं एडिटिंग कर रहा था काफ़ी लेट नाइट तक, और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हम लोग नहा धोकर रेडी हो गए हैं और चलते हैं माँ वैष्णो देवी की दरबार की ओर। जहाँ हम रुके थे वो है महामाई। महामाई क्या है मोहन? महामाई धर्मशाला। और यहाँ से बाणगंगा तक जाने की कितने रुपये टिकट है? 210 रुपये है फुल ऑटो का। हम लोग ने दो ऑटो किया है, और अभी हम जा रहे हैं बाणगंगा, वहाँ से हमारी चढ़ाई की शुरुआत होगी। वो पुराना रास्ता है ना? और नया रास्ता कहाँ है? तो हम लोग पुराना रास्ता से शुरू करेंगे ताकि सब जगह घूमते हुए जाएं। और देखिए सामने क्या खूबसूरत पहाड़ दिख रहा है, पूरी लाइटिंग दिख रही है। 65 साल चढ़ दिए थे बड़े। जहाँ हम रुके थे उस जगह का महामाई धर्मशाला के नाम से जानते हैं उस जगह को, और वहाँ से बाणगंगा जो पुराना रास्ता है, वैष्णो देवी माता के दरबार जाने की रास्ता जो पुराना रास्ता है, वहाँ तक छोड़ेंगे हम लोग को। और वहाँ तक जाने का जो टिकट है 210 रुपये पर ऑटो। और यहाँ से देखिए पहाड़ कितना खूबसूरत लग। और यहाँ से लेना पड़ेगा हमें यात्रा रजिस्ट्रेशन। गाइस हमने यात्रा पर्ची ले लिया है। गाइस यहाँ पे घास पे लिखा हुआ है जय माता दी। ये मेरी फोटो खींचना यार, वीडियो चल रही है। और गाइस यहाँ पे फोटो शूट के लिए जगह जगह पे स्टूडियो बना हुआ है मंदिर के थीम पे, तो यहाँ आप आकर फोटो शूट भी करा सकते हैं मंदिर में, मीन्स स्टूडियो में। अब गर्मी हो गया। हमारा प्रथम दर्शन हो गया है चरण पादुका माता का मंदिर में, और लगभग हम लोग 2 किलोमीटर पैदल आ गए हैं यहाँ, और रुकते आए हैं। अभी बहुत दूर है मंदिर, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी चल रहा है कंटिन्यू, और यहाँ आपको लाठी मिल जाएगा जिसके सहारे आप
ऊपर आ सकते हैं। और ये जो माता का क्या बोलना चाहिए, यहाँ आकर आप मसाज भी ले सकते हैं। और यहाँ से हम लोग लेंगे शॉर्टकट, जिसके लिए हमको ज़रूरत पड़ सकता है इस लाठी का। यहाँ से सीढ़ी है शॉर्टकट, 163 सीढ़ी है शायद। संजू भाई ही लोग मसाज ले रहे हैं, प्रतीक भाई भी मसाज ले रहे हैं। कैसा लग रहा? एक नंबर, बहुत बढ़िया। अगर माता रानी के दर्शन में आए हैं और थकावट हो रही है, कई कई भाई कई आनंद। माता रानी ने इसीलिए बुलाया था भाई, कई आनंद यार, कई आनंद। अगर दर्शन में आए हैं और थकावट हो गई रास्ते में तो मसाज का मजा जरूर लीजिए। लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद हमारा हालत ख़राब हो गया है। और बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। और अभी चलना है कितना किलोमीटर? अभी 800। और यहाँ पे बंदर है कुछ शैतानी भाई, बंदर बच के रहना। अर्धकुंवारी मंदिर से दर्शन करके हम लोग आगे वैष्णो देवी माँ का दर्शन करने के लिए निकल गए हैं। और हालत ख़राब हो गया यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। और अभी खाना थोड़ा सा हमने खा लिया कुछ, तो अभी हालत ठीक है। लेकिन अभी भी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत दूर जाना है। और ये वीडियो यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट एपिसोड में आगे का वीडियो आप लोग देखेंगे। हमारे सामने है हेलीपैड और ये जा रहा है हेलीकॉप्टर। और यहाँ पे अभी कुछ जंगली बकरी भी दिखे थे हम लोग को, और बताया जाता है कि यहाँ पे शेर भी रहता है।